हुआ किला है, ये राणा जय सिंह जी के टाइम का। जय श्री मंगल साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं हूँ देवधाकर और आप देख रहे हो यंग इंडिया ब्लॉग। तो आप जैसा ही लोकेशन देख रहे होंगे, आज हम हैं जयसमंद लेक के पास में जहाँ हम चढ़ाई कर रहे हैं। फोर्ट आपको यहाँ दिख नहीं पा रहा होगा, बाकी हवा महल जो तकरीबन जो घाटी बनी हुई है 1.5 किलोमीटर रास्ता है, उसके बाद हम हवा महल पर ऊपर पहुँचेंगे। और पीछे आप देख रहे होंगे ये जयसमंद का व्यू है जो दिखने में काफ़ी बड़ी है, जिसका आपने वीडियो पहले देख लिया होगा। तो साथियों, हम हवा महल के जहाँ एंट्री पॉइंट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर चेक पोस्ट बनी हुई है जहाँ पर वन मंडल के अधिकारी बैठे हैं। तो उनसे हम किले के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। हाँ, आपको शुभ नाम? कन्हैयालाल, हवा महल के नाम से। और यहाँ पर कितने ऊपर होगा किला? वो 3.25 किलोमीटर, रूठी रानी महल 3.25 किलोमीटर। और ये हवा महल, ये है 700 मीटर। तो ये लगभग किसने बनाया हुआ किला है? ये राणा जय सिंह जी के टाइम का है। अच्छा, दोनों किले और ऊपर पूरा गवर्नमेंट के अधीन में है अभी। था जैसे पूरा तत्व काम करवा रहा है अभी, तो है फॉरेस्ट के अंडर में था, अभी पूरा तत्व काम करवा रहा है। अच्छा, तो अंदर जो रास्ता है उस किले का जाने के लिए, तो वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं रहता जाने के लिए? वैसे अभी तो अब डेंज फॉरेस्ट हो गया है अभी नहीं। जैसे कि एक वो किला है उस साइड, नहीं जा सकते वहाँ पर? ऐसा कोई खतरा तो नहीं जानवर का, मतलब जंगली जानवरों का? क्योंकि वो 3.25 किलोमीटर पूरे जंगल में, जानवर तो शाम के टाइम निकलते हैं। अच्छा। पैंथर वगैरह ये शाम के टाइम ही निकलते हैं, दिन को निकलते ही नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई नहीं जाते है, लोग ग्रुप में जाते हैं। और ये तीन मंजिला महल है ये वाला? हाँ, ये हवा महल। तो इसकी सभी फ्लोर चालू है अभी? सभी चालू है। अच्छा, सभी में मतलब पर्यटक जा सकते हैं। और नॉमिनल चार्ज जो इंडियन पर्यटक है उसके लिए 75 रुपये, और जो विदेशी है उसके लिए, उनके लिए अलग रेट वो लगी हुई है इसमें। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं अपन ऊपर की तरफ। काफी ऊंचाई पर ये महल बना है जो तकरीबन 1700 के करीब बनाया गया था। चढ़ने में भी सांस फूल रही है। वो पीछे कितना शानदार है सीन है। तो गाइस, फाइनली हम पहाड़ के टॉप पर आ गए और ये पीछे जो हवा महल है इसके जस्ट नज़दीक हम आ गए हैं। तकरीबन हमने 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करी। अब हम चलते हैं महल की तरफ और आपको बताएंगे कि महल की क्या स्टोरी है। वीडियो में बने रहिएगा। यह है हवा महल का मुख्य दरवाज़ा। हवा महल का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था, जिसकी कहानी हम आपको आगे बताने वाले हैं। महल में चढ़ने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ बनी हैं और महल पर चढ़ते ही मुख्य दरवाजे के सीधे हाथ की तरफ हमको एक लंबा चौड़ा चौगान देखने को मिलता है। और इस चौगान में महल की मुख्य दीवार के अंदर बहुत सारी कोठरियाँ बनाई गई हैं जो आप देख पा रहे हैं। ऐसी कोठरियाँ कम से कम 4 से 5 बनाई गई हैं। हो सकता है ये विश्राम स्थल हो या कोई कारागृह हो। और महल की जो मुख्य दीवार की मोटाई आप देख पा रहे होंगे, कितनी मोटी महल की दीवार है। महल के दरवाजे के उल्टे हाथ की तरफ हमको एक रैंप दिखाई देता है, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर घुड़सवार आते होंगे और जो दरवाजा जो अभी बंद है उसी के माध्यम से होकर अंदर जाते होंगे।
दरवाजे के अंदर घुसते ही हमको एक चौगान दिखाई देता है। इसी चौगान में वो बंद दरवाजा खुलता था, जिसके माध्यम से घुड़सवार रैंप से होकर इस दरवाजे के अंदर आकर इसी चौगान में अपने घोड़े बांधते होंगे। और जो अभी आपको ये भवन दिख रहे हैं, छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं, इन्हीं कमरों में वो रुका करते होंगे और इन्हीं कमरों में वो रहा करते होंगे। इस चौगान में कम से कम 7 से 8 कमरे बनाए गए हैं और हर कमरे के अंदर एक कमरा बनाया गया है और कमरे अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं। इस परिसर में कम से कम 7 से 8 कमरे मौजूद है और हर कमरे का डिज़ाइन लगभग सेम है। जो भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन भी उपलब्ध है और हर कमरे के अंदर कमरा बनाया गया है और यह वो चौगान है जहाँ पर घोड़े बनते होंगे। चलिए अब चलते हैं महल के अंदर की तरफ और महल में चढ़ने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और आपने यहाँ एक बात देखी होगी कि महल का दरवाज़ा इस प्रकार बनाया गया है कि वो दुश्मनों से छिपा रहे, जब कोई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करे तो वो मुख्य दरवाजे की तरफ ना आ सके। महल के अंदर आते ही आपको ये भव्य इमारतें दिख रही होगी। ये 3 मंजिला महल और जो इसके झरोखे बने हुए हैं उसकी भव्यता काफ़ी अलौकिक लग रही है। अभी हम महल को पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए इस महल के इस कमरे के अंदर चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हैं और हर कमरे के अंदर कमरे बने हैं। दोस्तों अभी हम महल के एक छोटे से सुरंग टाइप मकान में हैं। आप देख पा रहे होंगे आवाज़ कितनी गूंज रही है और ये इतनी सी इसमें जगह है और पीछे 2 छोटे से रोशनदान बने हुए हैं जिसमें एक चांद जैसी आकृति दिख रही है और एक सूरज जैसी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो तो पता नहीं, बाकी काफ़ी सुंदर बना हुआ है। चलिए महल के झरोखे से जयसमंद का दीदार करते हैं। काफ़ी देखने में खूबसूरत और विशाल यह झील अपने आप में अलौकिक है। अगर आपने हमारा जयसमंद का वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर टैप करके एक बार ज़रूर देखिएगा। और इस किले के इतिहास की बात करें तो इस किले का निर्माण महाराणा जय सिंह, जो महाराणा प्रताप के वंशज थे, उन्होंने 17वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले के निर्माण के पीछे कहानी प्रचलित है। ऐसा बताया जाता है कि जब महाराणा जय सिंह जयसमंद की पाल पर अपना डेरा डाले हुए थे तब वहाँ पर एक विशाल नाला हुआ करता था जो देखने में काफ़ी विशाल और चौड़ा था। जब महाराणा जय सिंह ने अपने सेनापतियों से हंसते हुए उस नाले को पार करने की बात कही तब एक सेनापति ने उस नाले को घोड़े सहित पार कर दिखाया और यह देख महाराणा काफ़ी खुश हुए और उन्होंने अपने सेनापति से कुछ मांगने को कहा। तब सेनापति ने इस किले को बनवाने की जिज्ञासा जाहिर की और उसके पश्चात इस किले का निर्माण किया गया और इस किले का नाम हवा महल रखा गया। किले की चौक के अंदर एक हमको छोटी सी गैलरी दिखाई दे रही है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर के नज़ारे देखते हैं। अंदर काफ़ी चमगादड़ मौजूद है जिस कारण काफ़ी गंध आ रही है और इसके अंदर काफ़ी कमरे मौजूद है और कमरे के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन भी उपलब्ध हैं। काफ़ी कमरे बनाए गए हैं और जो कमरे की हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 15 से 20 फीट यहाँ कमरे की हाइट है। जयसमंद की उस पहाड़ी पर आपको एक महल दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम रुटीरानी महल है, जो महाराणा जय सिंह की सबसे छोटी रानी के लिए बनाया गया था। मुख्य महल से बाहर आते ही हमको और भवन दिखाई देते हैं जो काफ़ी खूबसूरत बनाए गए हैं और अभी भी ऐसे सुदृढ़ दिख रहे हैं कि आने वाले कई सालों तक ऐसे ही खड़े रहेंगे। चलिए अब हवा महल के पिक पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता है और पीछे जो आप हवा महल देख पा रहे होंगे और उसके आजू बाजू पूरी अरावली रेंज है और अरावली पहाड़ी जो राजस्थान की और भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी है उस पर एक किला बना हुआ है। तो
दोस्तों यहाँ था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का टैप है उसको भी क्लिक कीजिएगा, ताकि जो आगे वीडियोस आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक और मिस्टीरियस जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।